तो ओप्पो A58 5G स्मार्टफोन के बाद पेश है ओप्पो A98 5G का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक। एंड बिलीव मी, ये जो स्मार्टफोन है जितना ये खूबसूरत दिख रहा है बैक साइड से, उतना ही ये ज़्यादा काफ़ी प्रीमियम स्पेक्स के साथ भी आता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 120 हर्ट्ज़ का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, और यहाँ पर 8700 वाट की फास्ट चार्ज है, और भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये है ओप्पो A98 का फर्स्ट लुक आपके सामने। एंड अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा फेमिलियर है ओप्पो के बाकी स्मार्टफोन की तरह, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ऑनर के स्मार्टफोन से। आप देख सकते हैं स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल रिंग कैमरा सेटअप दिया गया है, और नीचे एक पट्टी लगाई गई है, और इस कैमरा मॉड्यूल में आपको 3 कैमरा नजर आ रहे हैं। एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। स्मार्टफोन का जो कलर है वो एक ग्लो किस्म का कलर है, एक रेनबो शेड कलर आपको देखने को मिल जाता है, और जो पट्टी है यहाँ पर एक डायमंड डिजाइनिंग की गई है, और डायमंड डिजाइन पट्टी में आपको नजर आ रहा है 108 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आने वाला है। इस स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो प्लास्टिक की होगी, अगर फ्रेम की बात की या फिर बैक साइड की बात की जाए। लेकिन ये जो स्मार्टफोन एक राउंड एजेस के साथ आता है, बैक साइड से भी राउंड है और ये फ्रंट से भी राउंड है। जी हाँ, ये एक स्मार्टफोन है जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। फर्स्ट एवर स्मार्टफोन है ओप्पो के ए सीरीज में जो कि कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में दिया गया है 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और एक सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड किया गया है, और ये सीरीज का पहला स्मार्टफोन जो कि इतनी ज़्यादा शायन शान किस्म का डिस्प्ले अपने साथ लेके आता है। ये जो स्मार्टफोन एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, यानी राउंड एजेस है, एक फ्लैगशिप किस्म का डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, और एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बिलीव मी, ये जो डिस्प्ले होगा बहुत ही सुप्रीम होगा, बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा। मीडिया कंजम्पशन आप करोगे वैसे जब आप यूज़ करोगे तो आपको एक प्रीमियम एक फ्लैगशिप फील देगा, क्योंकि एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, और यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट भी है, और इन डिस्प्ले का स्कैनर है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होगा वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम होगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम किस्म का डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। ओप्पो A98 5G स्मार्ट में मिलने वाला है आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर, एक 5G प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर की फेब्रिकेशन पर बेस्ड है। ऑलरेडी हम रेडमी नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन में देख चुके हैं स्नैपड्रैगन 695 एक डिसेंट किस्म का प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन हाँ एक नॉर्मल यूज़र के लिए, लेकिन ओप्पो के स्मार्टफोन के लिए हम इसको कह सकते हो कि हाँ ये एक बेहतर किस्म का प्रोसेसर है, जो कि ओप्पो वाले बहुत ज़्यादा कम किस्म के प्रोसेसर पावरफुल प्रोसेसर यूज़ करते हैं बहुत कम दफ़ा में, तो इसलिए मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ओप्पो ने एक नया एक बेहतर अकदाम उठाया है। ये जो प्रोसेसर है पावर एफिशिएंट है और बैटरी कंजप्शन कम करेगा, लेकिन पावरफुल नहीं है, गेमर्स के लिए नहीं, और वैसे भी जितने भी ओप्पो के स्मार्टफोन्स है वो गेमर्स को टारगेट ही नहीं करते। बाकी ओप्पो A98 जो स्मार्टफोन को वो दो वेरिएंट में आएगा, 8GB रैम 128 वाला वेरिएंट और 8GB रैम 256 वाला वेरिएंट होगा, साथ में 5GB की वर्चुअल रैम आपको देखने को मिलेगा, और ये जो स्मार्टफोन का UFS 2.2 के सो टाइप के साथ आएगा। एंड्रॉइड 12 होगा, और इसके अलावा कलर OS 12 का वर्जन आपको देखने को मिलेगा। एक डिसेंट किस्म की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, गेमिंग के लिए तो नहीं है मैं बता चुका हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, स्नैपड्रैगन 695 एक नॉर्मल एक कैजुअल यूज़ के लिए मोर देन इनफ है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है, बहुत ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। ओप्पो A98 5G स्मार्ट के रियर साइड पर आप देख सकते हैं डुअल रिंग में ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट है, जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का दिया गया, और एक पोर्ट्रेट कैमरा है जो कि ओप्पो की पहचान है। 108 मेगापिक्सल का बहुत बड़ा नंबर है स्पेशली ओप्पो के लिए। ओप्पो वैसे भी 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो भी इतना खूबसूरत शायन निशान पेश करता है, और आई थिंक यहाँ पर इस बार जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो बहुत बड़ा नंबर है, और यहाँ पर तो ओप्पो लवर जो है वो मर मिटेंगे, और बहुत ही यहाँ पर अच्छा एक एकदम है। मैं समझता हूँ कि कंपटीशन के साथ आपको कम्पीट करना चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का इज एक्सपेक्टेड है, और एक यहाँ पर मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का, जबकि फ्रंट की बात हो तो सेंटर पंच होल कैमरा में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एक्सपेक्टेड है। अब ओप्पो के कैमरा ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा ये प्रीमियम होते हैं, और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन होगा मैक्सिमम फुल एचडी प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सकेगा, फ्रंट कैमरा से भी और रियर कैमरा से भी 30 फ्रेम पर सेकंड में, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 695 है वो मैक्सिमम फुल एचडी प्लस 60 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी रखता है। ओप्पो A98 स्मार्टफोन की अगर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात हो तो ये जो स्मार्टफोन ये भी 10 सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है, यानी जो स्मार्टफोन है ग्लोबल मार्केट में आपको इस मंथ के एंड में नवंबर के एंड में आपको ग्लोबल मार्केट या चाइना मार्केट में रिवील होगा, उसके बाद पाकिस्तान में अगर ये आएगा तो आप स्मार्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये दिसंबर के एंड में आ सकता है या फिर जनवरी के स्टार्ट में आ सकता है, उससे पहले स्मार्ट की जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखे गए हैं। और प्राइस की अगर बात की जाए तो ये जो स्पेक्स है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये स्मार्टफोन काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, यानी यहाँ पर अब ये जो स्मार्टफोन है वो 70,000 तक मैं आपको बता सकता हूँ।
हूँ, तो आई थिंक आपको इतनी प्राइस तो डेफिनेटली जहन में रखनी चाहिए। ओप्पो A985 स्मार्ट में 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन साथ में अच्छी बात है कि जो स्मार्टफोन है वो 67 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा एंड डेफिनेटली काफ़ी तेज है। और ऑफकोर्स ये जो स्मार्टफोन होगा वो लेस देन 1 आवर में ये फुल चार्ज हो जाएगा, यानी तकरीबन 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। टाइप सी पोर्ट, 3.5 वाट जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको मिलेंगे, NFC का सपोर्ट मिलेगा। स्मार्टफोन की अगर बात की तो ओवरऑल मुझे काफ़ी एक बेहतर किस्म का, एक अपग्रेडेड किस्म का स्मार्टफोन लगा है और काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है ओप्पो की तरफ से कि अब उन्होंने ए सीरीज में भी काफ़ी एक बेहतर किस्म के स्पेक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं और डेफिनेटली कंपटीशन के लिए चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।